ये जो जो हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं श्री राम जी को, तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम। हाँ पौवा चल पौवा चल रहा है भाई, दारू का प्रमोशन हो गया वीडियो। चल 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 चल। सो जय श्री राम भाइयों, और आज है मेरा सेकंड डे नैनीताल में, और अभी मैं जस्ट अभी होटल से निकला हूँ, बाहर से निकला हूँ, और मैं अभी जा रहा हूँ अब बोटिंग के लिए। पहले सबसे पहले भाई बोटिंग करूँगा। सो गाइज मुझे यहाँ पे ना एक नई चीज़ मिली है भाई, ये देखो इसको बोलते हैं बिच्छू, बिच्छू का पेड़। ये तब काम आता है जब किसी को बुखार हो रहा हो, ठीक है, या उसका बुखार ना उतर रहा हो या उसका दर्द हो रहा हो, तो ये तब काम आता है। बिच्छू का पेड़ है भाई ये, देखो इसमें कांटे ही कांटे हैं भाई साहब, आगे पीछे इसमें दोनों तरफ कांटे हैं भाई। देखो गाइस यार कितने ज़्यादा कांटे हैं, अगर फीवर ना उतरे ना तो इससे उतरता है, इससे बहुत ज़्यादा खुजली उजली होती है शरीर में ना। देखो भाई मतलब यहाँ पे तो पूरा का पूरा बिच्छू ही बिच्छू के पेड़ है भाई, इसको बिच्छू बोलते हैं भाई, बहुत डेंजरस है ये पेड़। वैसे मेरा हाथ मारने का मन था कि मैं भी देखूँ मतलब कितने लेवल तक खुजली जाती है, या चेक कर लूँ आप लोगों के लिए, क्या हाथ मार के। हाँ डर लग रहा है, ओहो डर लग रहा है भाई। अच्छा इसमें से लिक्विड निकल रहा है हल्का ना, ये लिक्विड खुजली करता है, ये लिक्विड खुजली करता है, और ये होने लगी हल्की हल्की खुजली हल्की हो रही है भाई, हो रही है सच में, ओबे सच में हो रही है, अब सच में हो रही है भाई खुजली। इसका जो वो रहता है ना ऑयल ऑयल से निकलता है उससे खुजली होती है यार, ओहो सच में हो रही है भाई खुजली तो यार। अभी आगे जाके मिलता हूँ भाई, सामने बोट खड़ी हमारी, हाँ मंदिर से राउंड करके लाएंगे 320 320 बड़ा राउंड करोगे तो आगे ले जाएंगे, और आगे बीच में ना डब्बे पड़े रहते हैं हमारे मंदिर से आगे, तो मंदिर से आगे फिर मतलब कितना आगे, नहीं आगे अच्छा इतने आगे मंदिर में उतना आगे जाएंगे, 100 रुपये ज़्यादा लगेगा आपको, आगे डब्बे पड़े हैं उसके बाहर चलाएंगे, वो है 420 का, तो वहाँ क्या है देखने का, और देख रहे हैं इसमें घुमा के लाएंगे, झील में बोटिंग करोगे आप, फोटोग्राफी होगी, और क्या होता है आप इसमें बोट के अंदर यही होता है, बढ़िया मौसम भी है अभी इस टाइम। सो गाइस फाइनली मैं अपना बोटिंग के लिए जा रहा हूँ अब, बोटिंग बोल रहे हैं अगर छोटा चक्कर लगाओगे तो 320 हैं, बाकी फिर 400 प्लस हो जाते हैं, और यहाँ पे ना मतलब कि रेंट पे आपको स्कूटी बाइक मतलब मिलती ही रहेगी आपको, बहुत इजीली मिल जाएगी। तो वो हो रही बोटिंग वहाँ पे भी उस साइड भी, ये छोटा चक्कर इतने का है मंदिर तक का, वो आप लोगों को मंदिर दिख रहा होगा बिल्कुल आगे ना, मतलब वो छोटा सा मंदिर, तो वहाँ तक की बोटिंग के 320 रुपये हैं, फिर आगे तक जाएंगे तो 400 प्लस हो जाते हैं, तो अलग अलग रेट है, मुझे पता नहीं क्या सीन है, अभी यहाँ से पर्ची वगैरह कटेगी अभी अभी देखते हैं। ये लिखा आधा चक्कर 320, पूरा चक्कर 420, ये ठीक है, एक बार टिकट वगैरह ले लेता हूँ भाई। गूगल पे से पेमेंट वगैरह हो जाएगी, कैश देना पड़ेगा, कैश ही देना पड़ेगा, कैश में पड़ता नहीं था आधा था। अच्छा यार कैश हम पे भैया मतलब लिमिटेड ही पड़ा है, बोटिंग के लिए तो होगा ही, अभी होगा फिर एटीएम है बगल में, यहाँ एटीएम कार्ड ही तो नहीं है, दिक्कत यही तो हो रही है, अब जो मैं कैश वैश लेके आया था मतलब उसको ही यूज़ कर रहा है। गाइस मेरे पास कैश नहीं है अभी, मैं शायद भैया को पे करूँगा, भैया यहाँ पे पे कर दिया मेरे पास, उसका बड़ा लगा अच्छा, तो इसमें कर लो QR कोड, फिलहाल छोटा ही कर लेना। हाँ हाँ हेलो, स्कैन ही नहीं हो रहा, नहीं होता, नंबर से कर लो, नंबर डाल दीजिए अपना 7579 75। भैया के पास चले गए हैं, भैया हो रहे बोटिंग में, अभी मैं जाके बैठूंगा बोट में भाई, देख लो भाई यहाँ का व्यू देख लो, भैया कर दिए पैसे आपको, तो भैया तो सुनना बंद कर दिया पैसे जाते ही कर दिया भाई, इसमें से कैसे चढ़ूं भाई, मुझे डर लगता है, वो कौन सी बोट है। अच्छा अरे भैया मैं तो इस चीज़ में बहुत कच्चा हूँ, गिर गिरा ना जाऊँ यहाँ पे,
गाइस फाइनली मैं अपना बोट में बैठ चुका हूँ भाई। भैया चला रहे हैं बोट और बोट पूरी पूरी हिल रही है भाई, मेरी हवा खराब हो रही है। मेरा दूसरी बार है, बस मैंने कश्मीर में किया था, बस ये मेरा दूसरी बार है यहाँ पे। देखो भाई ये 420 रुपये मैंने पे किए। आगे टक्का चक्कर है, भैया कह रहे हैं वहाँ पे अच्छा है कुछ, तो जाके देखते हैं एक बार कितना अच्छा है, कैसे अच्छा है भाई जी। जिसको बोटिंग वगैरह करनी हो ना तो यही है इनका काउंटर वगैरह सब कुछ। अभी काफ़ी लोग बोटिंग वगैरह कर रहे हैं, देखो पीछे भी आ रहे हैं लोग ना, पीछे भी आ रहे हैं। और ये रहे भैया अभी, और आगे भी लोग हैं काफ़ी, वो जा रहे हैं वहाँ पे लेफ्ट में भी हैं, वहाँ पे भी हैं। तो मैं भी बातें करूंगा कम, आप लोग अपना व्यू एंजॉय करो थोड़ा ज़्यादा। भैया यहाँ पे और क्या अच्छा है घूमने वाला? और इधर जो है मारलोड है, अच्छा मंदिर है, क्या नैना देवी मंदिर यहाँ से कितना दूर है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है, ऊपर रोप वे भी है। अच्छा क्या है, रोप वे कहते हैं ना, केबल कार। अच्छा वो भी है यहाँ पे, मतलब वो कहाँ पे, यहाँ पे मत दिख रहा नहीं है यहाँ से वो। अच्छा वहाँ पे, तो वहाँ तक कैसे जाना होगा फिर? भाई ई रिक्शा, तो वो कितने रुपए ले लेते हैं लगभग? ई रिक्शा 10 रुपीज लेता है। अच्छा भाई बहुत तेज़ हवा चल रही है भाई, बहुत तेज़, और बीच में आगे तो भाई हवा बहुत ज़्यादा लग रही है भाई यहाँ पे। व्यू देखो एक बार ना भाई, पानी जितना सुंदर लग रहा है उतना ही खतरनाक भी है। पानी की सुंदरता जितनी सुंदरता दिखती है उतनी ही डेंजरस भी होती है। जब भी बोटिंग वगैरह करो तो अपना भैया लाइफ जैकेट वगैरह पहन के करो। भैया ने तो नहीं पहनी, भैया तो प्रोफेशनल है, भैया तो बच जाएंगे, तो भाई हमसे बचा नहीं जाएगा। भैया का तो रोज का काम है यहाँ पे यार। गाइस थोड़ा ना मतलब आवाज़ में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है, थोड़ी हवा यहाँ पे बहुत तेज़ चल रही है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग व्यू अपना एंजॉय करो आराम से। करते करते मुझे यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर दिखा है, वो बैठे हैं हनुमान जी, और जय श्री राम कमेंट कर दीजिए, जय श्री राम लिख दीजिए, जो जो हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं श्री राम जी को, तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम। सब लोग प्रणाम भी कर लीजिए और सब लोग अपना आशीर्वाद दे लीजिए। भाई पहाड़ों की ब्यूटी देखो भाई, पहाड़ों की ब्यूटी नेक्स्ट लेवल होती है। जो पहाड़ों पे जो मज़ा है ना, पहाड़ों पे जो रहने का जो मज़ा है भाई, वो कहीं नहीं लगता मुझे। पहाड़ों पे जब आप आओगे ना, आपका मन लग जाएगा। और कश्मीर जब मैं गया था भाई, कश्मीर बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ से ज़्यादा सुंदर है कश्मीर, बट लेकिन ये भी उससे कम नहीं है भाई, मतलब वैसा सही है। बस वहाँ पर बर्फ़ वगैरह थोड़ी ज़्यादा पड़ती है तो इसलिए थोड़ा और सुंदर वो दिखने लगता है। पानी देखो बिल्कुल हरा पानी हो रखा है भाई। आप लोगों को पता है भाई इसकी गहराई कितनी है? 120 फुट ना भैया, 120 फुट नीची गहरी है, मतलब सेंटर में आके। लंबी कितनी है? 2 किलोमीटर लंबी लेके भाई साहब जी, गोलाई पूरी की इसकी 3 किलोमीटर की भाई, मायने रखता है इतना, 120 फुट नीचे आई हाँ जिसके बराबर तो नहीं है अगर वैसे गिर गए तो भाई। इतना ज़्यादा देखो एग्जाम, ये भी तैर रहा है भाई। बोट क्रॉसिंग हुई जस्ट अभी, टक्कर होने से बची है, एक्सीडेंट होने से बच गया भाई लेक में भाई लेक में भी अभी एक्सीडेंट होने से बच गया, भैया ने बचा लिया भाई जान। वहाँ भी बोटिंग चल रही है, हर जगह बोटिंग चल रही है भाई। काफ़ी लंबा चक्कर था, 420 रुपये का, दो लोगों का 420 रुपये का था ये चक्कर, आप इंजॉय कर पाओगे 420 रुपये में, आप वो फील कर पाओगे 420 रुपये, आप जो बात करते आपकी 420 रुपये अच्छी जगह लगे। किसी को आना हो नैनीताल भाई, वेलकम। आज मगरमच्छ वगैरह भी होंगे क्या इसमें? नहीं है, मछलियाँ में छोटी बड़ी भी? आपका नाम क्या भैया?
पौआ चल पौआ चल रहा है भाई, दारू का प्रमोशन हो गया वीडियो में। सब बंद कर दिया को, सब बंद कर दिया, कर्टन एक छोड़ दिया। आपका नाम क्या भैया? त्रिलोक सिंह। त्रिलोक सिंह, अगर किसी को आना हुआ बोट करने के लिए, बोटिंग के लिए, तो आपसे कांटेक्ट करके आ सकते हैं? आ सकते। अपना नाम बताओ फिर से एक बार। और नाम है त्रिलोक सिंह। नंबर बोल दो अपना। नंबर है 9456333738। जब भी आप आए यहाँ पर बोटिंग के लिए, मैं आपको यहीं पर उपलब्ध रहूँगा। गाइस ये भाई मैं आगे गया अभी अभी बोट हिल रही है ना भाई, मैं बहुत कम बैठा हूँ। तो किसी को भी बोटिंग करनी हो भाई नैनीताल आके माल रोड के पास, तो भैया इस नंबर पे संपर्क करें, कांटेक्ट करें और भैया से ही डील लें। भैया बहुत अच्छी आदत के हैं और चश्मा लगा के तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं भैया, तो इनके थ्रू ही बोटिंग करें भाई। मैं तो इनको ही रिकमेंड करूँगा, ये सबसे अच्छे मुझे यहाँ के मतलब पर्सन लगे। ठीक है, हंसमुख हैं, खुशमुख हैं, बढ़िया हैं। किसी को भाई बोटिंग वगैरह करनी हो भाई, हमारा स्टॉप आ गया है तो भाई यहाँ उतरूँगा। मेरा खड़ा होने का मन था कभी, नीचे गिर जाऊँगा ऊपर लेके, महंगा पड़ जाएगा नैनीताल का ट्रिप ना मुझे। फिर देखो ये खड़ी नाव ही नाव है, बोट ही बोट है भाई। इसको स्टैंड पे लगा के तब मैं उतरूँगा भाई। दो भाई साहब और टक्कर हो गई। ओहो, ओए भैया। चलो भाई जय राम जी की। भाई साहब नहीं भैया, घूमना उमना नहीं, घूम लिया बस मैं तो भाई। सारी बोटिंग अलग थी और उतरने का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। उतरते टाइम जो हवा ख़राब हुई है वो पूरी बोट में नहीं हुई भाई मेरी। डर लगता है वो तो, मतलब ऐसे ऐसे हिलती है ना तो लगता है कि मतलब गिर जाएंगे ऐसे ना। और मेरे पीछे एक बार व्यू देख लो एक बार, पूरा का पूरा ये हम लोग इस मंदिर से आगे घूम के आए हैं। ठीक है, आगे तक का राउंड मार के भाई। ठीक है, तो 420 रुपये दो लोगों के बिल्कुल इनफ थे, बिल्कुल वर्थ थे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गए। इतनी सारी बोट खड़ी हैं, तो किसी को भी आना हो भैया तो भैया से कॉन्टैक्ट कर लेना। भैया का नंबर मैंने मतलब कि स्क्रीन पर दिखा दिया है और भैया ने बोल भी दिया था, कोई भी आए तो सीधा भैया से कॉन्टैक्ट करना। भैया आपको मैंने पे कर दिया था, ठीक है ना, देख लेना आप उसको एक बार। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। सो यही था ब्लॉग भाई बोटिंग का। अभी मैं तो भाई यहाँ से निकलूँगा, ऊपर जाऊँगा आराम से, अभी मंदिर जाऊँगा मैं। अभी मुझे पहले मंदिर जाना है, बोटिंग वोटिंग हो गई, अब मंदिर चलते हैं। बाहर से भी देख लो कैसा लगता है, दूर से भी देख लो कैसा लगता है। और बाइक वगैरह रेंट पे चाहिए हो तो भाई हर दो मिनट में, एक मिनट में, पाँच मिनट में, पाँच सेकंड में हर कोई आता रहता है, आपसे पूछता रहता है कि बाइक तो नहीं चाहिए रेंट पे। तो इजीली 400-500 रुपए में आपको पर डे का बाइक का मिल जाएगा। उसमें पेट्रोल का सीन अलग रहता है, उसमें पेट्रोल आपकी जेब से डलवाना पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना एक्सपेंस करना चाहते हो पेट्रोल के ऊपर और कितना घूमना चाहते हो, डिस्टेंस के ऊपर मैटर करता है। 100 का डलवाओ, 200 का डलवाओ, 500 का डलवाओ। ठीक है, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। यही था भाई बोटिंग का ब्लॉग। वीडियो देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना भाई, आपके एक कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है, कमेंट जरूर करना। अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।